22 अगस्त के बाद कराची की सियासत का शिराजा बिखर गया। टेलीविजन, रेडियो और दू बदू मुकालमा, तकारीर, हर जरिया इबलाग पर पाबंदी के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल गया। एमकेएम पाकिस्तान है, एमकेएम पाकिस्तान की सियासत करती है, एमकेएम पाकिस्तान की सियासत करेगी, एमकेएम पाकिस्तान में सियासत करती है, एमकेएम पाकिस्तान में सियासत करेगी। इधर दोनों धड़ों में चपकलिश ने वॉल चॉकर्स की चांदी कर दी। वॉल चॉकिंग का सिलसिला 23 अगस्त के फौरी बाद शुरू हो गया। रातों रात एमक्यूएम के आरजी मरकज के अतराफ बदला ग्रुप की जानिब से चॉकिंग कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट और बंस रोड पर बानी एमक्यूएम के हक में बैनर्स लगा दिए गए। 17 सितंबर आई तो बानी एमक्यूएम को सालगिरह की मुबारकबादें भी दी गईं। अब हैदराबाद में बानी एमक्यूएम के हक और फारूक सत्तार के खिलाफ नारे नजर आने लगे हैं। एमक्यूएम का एक हलका वॉल चॉकिंग को एमक्यूएम मुखालिफ हलकों की साजिश करार देता है। इसकी एक वजह चॉकिंग का उन इलाकों में होना है जो महाजिर कौमी मूवमेंट और पीएसपी के जेरे असर तसव्वुर किए जाते हैं। अब्बास नकवी, कराची।